और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, आज नोएडा से दिल्ली कूच करेंगे किसान। ये बड़ी खबर, संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में मार्च निकाला जाएगा। नोएडा से सटे सभी बॉर्डर पर बैरिकेडिंग एहतियातन लगा दी गई है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भारी जाम इस वक्त लगा हुआ है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नोएडा से सटे सभी बॉर्डर्स पर किस कदर बैरिकेडिंग की गई आप देखिए। और इसकी वजह से चूंकि कई रूट्स को बंद किया गया है, लंबा जाम यहाँ पर लगा है और ऑफिसर्स के लिए जो लोग निकल रहे हैं उनको कई परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। चिल्ला बॉर्डर पर भारी जाम है, गाड़ियों की लंबी कतार आपको वहां पर देखने को मिलेगी। साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा का आज चूंकि नोएडा से दिल्ली कूच है और उसी का परिणाम कि लंबा जाम अलग अलग बॉर्डर्स पर, रास्तों पर। दूसरी तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से बैरिकेटिंग लगाकर पहले ही एहतियातन कदम पुलिस की तरफ से उठाए जा रहे हैं। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, पुलिस की तैयारी, बैरिकेटिंग की गई है, लेकिन दूसरी तस्वीर ये बता रही है कि किसानों के दिल्ली कूच का असर निश्चित तौर पर यातायात पर पड़ रहा है, उन तमाम बॉर्डर पर पड़ रहा है जहां से किसान दिल्ली के लिए कूच करेंगे। लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, लोगों को दफ्तर जाने में देरी का सामना करना पड़ रहा है, गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं, ब्रेक पर रफ्तार की जगह ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है गाड़ियों में, आप देख सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर स्थिति क्यों बनी है। पिछले 3 दिन से 27 नवंबर से लेकर और अब तक लगातार किसानों की ओर से तीनों अथॉरिटी के सामने प्रदर्शन किया गया, उच्च अधिकारियों के साथ बैठकें भी हुई, लेकिन जब कोई हल नहीं निकला तो उसके बाद संसद कूच यानी दिल्ली कूच का ऐलान किसानों की ओर से किया गया है। और ऐसे में ये तस्वीरें निश्चित तौर पर लोगों के लिए परेशानी खड़ी करने वाली हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर, खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।